हेलो, मैं हूं कुमार। आज इस वीडियो में देखने वाले एमजी हेक्टर प्लस। एमजी हेक्टर प्लस एमजी का थर्ड प्रोडक्ट है इंडिया में। पहले इन्होंने डेब्यू किया था अपनी हेक्टर के साथ, उसके बाद इन्होंने एमजी जेडएस ईवी लॉन्च करी थी जो कि एक इलेक्ट्रिक व्हीकल था। इसके बाद तीसरी गाड़ी ये लॉन्च करने वाले हैं 13 जुलाई को, वो है एमजी हेक्टर प्लस। अब इसमें प्लस क्या है, ये पूरी हेक्टर है। इसमें जो केवल फीचर्स ऐड किए गए हैं वो कैप्टन सीट्स हैं और कुछ छोटे मोटे माइनर चेंजेस इसमें किए गए हैं जिनको आज हम डिटेल में देखने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा जिससे आपको एमजी हेक्टर और हेक्टर प्लस का मेन डिफरेंस समझ आ सके। तो ये आप लोग देख रहे हैं इस कार की व्हाइट कलर में, अभी आप देख रहे हैं इसमें ब्लू कलर नया ऐड किया गया है। यहाँ पे आप देखेंगे इसमें नए DRL डाल दिए गए हैं और ये अलग तरीके से कुछ आपको जलते हुए दिखेंगे और इनकी जो लुक आ रही है वो पहली वाली हेक्टर से काफ़ी बढ़िया इस बार आपको लगेगी। और ये LED DRLs हैं। नीचे की तरफ जैसे ही अगर आप आएंगे तो यहाँ पे आपको फिर से बदलाव दिखेगा इसके हेडलैम्प्स में। पहले डुअल प्रोजेक्टर्स आए करते थे, अब सिंगल प्रोजेक्टर डाल दिए गए हैं। ये भी LED हेडलैम्प्स आपको मिलते हैं और यहीं पे आपको फोग लैम्प भी फ्रंट में मिलते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं इसकी ग्रिल, MG का बड़ा सा लोगो है। ग्रिल में आपको कोई भी चेंज नहीं मिलेगा। ग्रिल जो पहले हेक्टर में आया करती थी एज इट इज़ आपको देखने को मिलती है। और फोग लैम्प वाली यूनिट के अराउंड आपको काफ़ी क्रोम इसमें दिखेगा। फ्रंट में आपको पार्किंग सेंसर भी मिल जाते हैं। बाकी यहाँ पे कैमरा भी दिया गया है जिसके हम आगे चल के देखेंगे। एमजी हेक्टर में जो आपको ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है वो है 192 mm का। ये आपको ह्यूंडई क्रेटा के लगभग मिल जाता है और साइड से आपको कार में ज़्यादा चेंजेस नहीं दिखेंगे। ये पूरी हेक्टर जैसी लगती है। यहाँ पे आपको मिल जाते हैं ORVM बॉडी कलर में ही। यहाँ पे आपको फ्लोटिंग लाइट एंड इंडिकेटर्स मिल जाते हैं। इसी के नीचे आपको 360° कैमरा भी दिया गया है। बाकी क्रोम डोर हैंडल्स मिलते हैं। विंडो बेडलाइन पे आपको क्रोम फिनिश मिल जाती है। साइड में आपको बॉडी क्लैडिंग फिनिश मिल जाती है। अगर हम टायर्स की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको मिलते हैं डुअल टोन मशीन अलॉय व्हील्स। ये हेक्टर वाली हैं। इनका साइज़ अगर मैं आपको बताऊँ तो 215/60 R17 आपको टायर्स मिलेंगे। और ये एक 6 सीटर में आपको बता देता हूँ, 7 सीटर में हेक्टर प्लस अवेलेबल नहीं है। बाकी यहाँ पे दिखेगा आपको कार में मेजर बदलाव पुरानी एमजी हेक्टर से। इसमें एक नया फीचर भी डाल दिया गया है जिसको बहुत ज़्यादा हाईलाइट कर रहा है एमजी, फुट एक्टिवेटेड ऑटो टेलगेट ओपनिंग। जैसे ही आप अपने पैर से स्वाइप करते हैं इसके नीचे तो ऑटोमेटिकली बूट ओपन हो जाती है। ये इसमें नए टेल लैंप्स डाले गए हैं, बहुत ज़्यादा प्रीमियम लगते हैं ये। इंटरनेट इनसाइड के आपको बैजिंग मिल जाते हैं नीचे, यानी कि कार पूरी तरीके से कनेक्टेड है। काफ़ी इसमें कनेक्टेड ऐप्स आ जाते हैं। नीचे रिफ्लेक्टर और वहाँ पर आपको एक लाइट भी मिल जाती है। और जैसे ही आप स्वाइप करते हैं तो देख सकते हैं किस तरीके से आपकी इलेक्ट्रिक बूट ओपन हो जाती है। स्पीड भी इसकी काफ़ी अच्छी है। एमजी हेक्टर की बूट एकदम से स्पीडली ओपन हो जाती है। यहाँ पे आपको मिल जाता है कुछ इतना बूट स्पेस अगर आपकी थर्ड रो की सीट्स भी ऊपर की तरफ रहती हैं। कुछ ज़्यादा स्टोरेज नहीं आपको मिलेगा। पीछे की तरफ एक लैंप भी दिया गया है। बाकी जब आप सीट्स को फोल्ड कर लेंगे तो आपके पास काफ़ी एरिया इसमें बच जाता है। नीचे की तरफ आपको रिवर्स पार्किंग सेंसर मिल जाते हैं। यहाँ पर डुअल एग्जॉस्ट डिज़ाइन मिल जाता है। फ्रंट और रियर में आपको दोनों तरफ स्किड प्लेट्स मिल जाती हैं। तो ऐसे कुछ चेंजेस एमजी हेक्टर प्लस में किए गए हैं। पावर टेलगेट है ये। यहाँ पे एक बटन भी दे रखा है, उसको जैसे आप प्रेस करेंगे तो ऑटोमेटिकली बंद भी हो जाता है। यहाँ पे आप साइड लुक देख रहे हैं कार का, जहाँ पे कट्स कार को एक बढ़िया लुक दे देते हैं। इसमें आपको ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स मिल जाते हैं, रेन सेंसिंग ऑटोमेटिक वाइपर्स मिल जाते हैं जो बारिश होने पर अपने आप आपके वाइपर हिल जाते हैं। इसके अलावा इसमें कंफर्ट के हिसाब से बहुत सारे फीचर्स ऐड किए गए हैं जो कि आपको बहुत अट्रैक्ट करेंगे इसकी तरफ। और एक्सपेक्टेड प्राइस इसका क्या है वो भी हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले पीछे क्या अगर आप देखेंगे तो बैग भी इसका चेंज किया गया है। एमजी के लोगों के नीचे जहाँ पहले रेड स्ट्रिप आया करती थी वो अब यहाँ से हटा दी गई है, जो अब इसको एक ज़्यादा प्रीमियम लुक दे दिया। इसमें आती है पैनोरामिक सनरूफ, डुअल पेन पैनोरामिक सनरूफ उसको एमजी बुलाता है। आपको शार्क फिन एंटीना मिलेगा, रूफ रेल्स आपको मिल जाती हैं, रियर स्पॉइलर आपको मिल जाता है, रियर वाइपर हो डिफोगर हो। और एमजी के लोगों के नीचे अब यहाँ पे एक क्रोम लाइन डाल दी गई है। और ये है ओवरऑल पीछे से कार की लुक। जब आपके ब्रेक लाइट ऑन रहेंगे तो ऐसी कुछ लुक आएगी। और इसमें फ्लोटिंग इंडिकेटर्स भी आते हैं। यहाँ पे मिल जाता है आपको एक रिवर्स पार्किंग कैमरा। और इसमें जो अब की बार इंफोटेनमेंट यूनिट आ रही है वो भी सेम है। और थर्ड रो के लिए भी यहाँ पे आपको ग्लास मिल जाता है। कार की जो आपको ओवरऑल लेंथ मिलेगी वो पुरानी एक्टर से आपको 65 mm ज़्यादा मिल जाती है, यानी कि इसमें जो अब आपको लेंथ मिलती है वो है 4700 mm के लगभग। विड्थ इसमें 1835 mm की आपको मिलेगी। हाइट कार की 1760 mm है। कर्व वेट की अगर हम बात करते हैं तो 1539 किलो से लेके 1687 किलो के लगभग आपको मिलेगा। व्हील बेस कार का सेम है 2750 mm का। यहाँ पे ORVM के नीचे आप देख सकते हैं आपको 360° कैमरा भी मिल जाता है। तो कनेक्टेड कार जिस तरीके से है तो आपको फीचर्स इसमें भरपूर दिए गए हैं। और फ्रंट कैमरे की अगर आप प्लेसमेंट देखें तो वो आपको कुछ इस तरीके से मिल जाती है। ये मिलता है आपको इंटीरियर में इसका कुछ स्टेयरिंग व्हील, जहाँ पे एमजी का आपको लोगो मिलेगा। यहाँ पे आपको सिल्वर इनसेट आपको मिलेगा। क्रूज कंट्रोल कार पे मिल जाएगा। बाकी वॉल्यूम कंट्रोल भी आपको स्टेयरिंग व्हील पे दिए गए हैं। आप देख लेते हैं इसकी की, तो आपको स्मार्ट की मिलती है जहाँ पे लॉक अनलॉक और एक टेलगेट ओपन करने का बटन है। पुश स्टार्ट स्टॉप के साथ आता है। कीलेस एंट्री आपको इस कार में मिल जाती है एमजी की। इसमें बैजिंग भी आ जाती है। फिजिकल की भी इसमें आती है इन केस आपको इमरजेंसी में जरूरत पड़े। और ये इसकी काफ़ी बड़ी 10 इंचेस की वर्टिकल इंफोटेनमेंट स्क्रीन। इसमें आपको काफ़ी सारे फीचर्स मिल जाते हैं जिनको हम आगे डिटेल में देखेंगे भी। इंटीरियर से आपको मेजर चेंजेस कार में नहीं दिखेंगे। यहाँ पे अगर हम इसको स्टार्ट करते हैं, बीच वाले वॉल्यूम बटन को आप जैसे ही प्रेस करेंगे तो ये अपना ऑन हो जाता है।
थोड़ा सा ये टाइम अभी भी लेता है इसमें मॉरिस ग्रेज का पहले लोगो आता है, फिर ये वेलकम स्क्रीन आती है इसकी, और फिर इसमें आपको मिल जाते हैं काफ़ी सारे ऐप्स जहाँ पे फ़ोन हो, गाना हो, एंड्रॉयड ऑटो हो, एप्पल कारप्ले हो, यूएसबी हो, ऑक्सिन हो, या फिर इनबिल्ट नेविगेशन भी इसमें आता है। 3 साल का आपको सब्सक्रिप्शन भी इसमें फ्री मिलता है, जैसे कि ये इंटरनेट इनसाइड कार है तो आप क्या जियो फेंसिंग हो, GPS हो, लाइव कार आपकी कहाँ पर है, आप फ़ोन से ही अपना कार को बंद चालू कर सकते हैं। तो ऐसे काफ़ी सारे फीचर आपको MG Hector Plus इसमें भी दिए गए हैं, जैसे आपको मिला करते थे पुरानी वाली MG Hector में। और इसके मीटर की एक तरफ अगर हम देखते हैं तो RPM मीटर आपको राइट में मिलता है, लेफ्ट में मिलता है स्पीडोमीटर, बीच में मिल जाती है आपको MID, और AC वेंट्स आपको मिल जाते हैं इन्फोटेनमेंट के सराउंडिंग में ही। और यहाँ पे जो AC कंट्रोल करेंगे आप वो अपने इन्फोटेनमेंट से ही कंट्रोल करेंगे, यहाँ पे अलग से उनके लिए कोई बटन नहीं दिया जाता, ये ऑटोमेटिक वेरिएंट है। और यहाँ पे ग्लास होल्डर के अराउंड आपको लाइट भी मिल जाती है जो कि एकदम प्रीमियम फील दे देती है आपको कार में बैठने पे। और इंटीरियर में आपको 17.78 कलर डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिल जाता है, 8 कलर्स एम्बिएंट लाइटिंग आपको मिलती है, डोर आर्मरेस्ट विद IP इंसर्ट आपको मिलेगा, डोर आर्मरेस्ट हैंडल फिनिश आपको मिलती है, और पैसेंजर और ड्राइवर साइड दोनों आपकी इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल आपको मिलेंगी। कार में पावर फोल्डेबल ORVMs मिल जाते हैं, और उन ORVMs के नीचे आपको वेलकम फंक्शन भी मिल जाता है, स्मार्ट कीलेस एंट्री आपको मिलती है, सनग्लास होल्डर, टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग व्हील, वेलकम लाइट ऑन कार अनलॉक, चारों विंडोज को आप रिमोट की से डाउन कर सकते हैं। तो ऐसे कुछ फीचर्स आपको MG Hector में मिल जाते हैं। ये मिल जाता है इसका नया इंटीरियर, जो इसमें कलर यूज किया गया है वो स्मोक्ड CPF ब्राउन लेदर सीट्स आपको मिलेंगी, और डैशबोर्ड पर भी आपको यही कलर दिखेगा, सेम लेदर रैप्ड स्टीयरिंग व्हील आपको मिलता है, इनसाइड डोर हैंडल फिनिश आपको मिल जाती है, और ये नया सीट कलर आपको एक प्रीमियम फील आपकी कार में फिर से एक बार दे देता है। आपको सारी डोर्स पे मिल जाते हैं बोतल होल्डर्स, ऑटोमेटिक AC आपको मिलेगा, कूल्ड ग्लव बॉक्स आपको मिल जाता है, क्रूज कंट्रोल आपको मिल जाता है, ड्राइवर आर्मरेस्ट विद स्टोरेज आपको मिलेगा, ड्राइवर को ड्राइवर वेंटी मिरर मिल जाता है कवर के साथ, पीछे एक तरफ जो स्वाइप वाला फीचर है वो इस तरीके से जैसे आप पैर इसके नीचे लगाते हैं कार आपके अनलॉक होनी चाहिए, तुरंत आपकी जो टेल गेट है वो अपने आप इलेक्ट्रिकली ऊपर चला जाता है इस तरीके से। स्पीड भी इसकी सही है जैसे मैंने पहले बताया, ये मैंने आपके लिए डेमो करके दिखाया। अभी हम देख लेते हैं इसकी कैप्टन सीट्स, जिनके लिए कार फेमस हो सकते हैं इस सेगमेंट में, वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, वो भी सेम आपको CPF ब्राउन लेदर सीट मिलेंगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कैसी कुछ आपको दिखेंगी, बीच में से वो सीट हटा के बीच में अब आपको दो आर्मरेस्ट दे दिए गए हैं, रियर AC वेंट्स भी आपको मिल जाते हैं सेकंड रो के लिए, और जो हेडरेस्ट आपको मिलेंगे कार में वो टोटली सारे के सारे एडजस्टेबल रहेंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कार की डुअल पेन पैनोरामिक सनरूफ, सेकंड रो में जो बंदे रहेंगे उनको भी काफी अच्छी फील आएगी अगर आप रात में या रेनी सीजन में इसको ओपन करते हैं। और फिनिश आपको जो लेदर की मिलेगी सीट्स पर वो आपके सामने है, पीछे से भी आप देख सकते हैं थर्ड रो आपको किस तरीके की मिलेगी, ये थोड़ी सी डीप है अगर आप पहली या दूसरी रो से इसको कंपेयर करते हैं, और यहाँ पे कोई बड़ा बंदा नहीं बैठ सकता है क्योंकि इसकी एंट्री केवल आपको मिलेगी सेकंड रो से, और ये सीट्स केवल बच्चों के लिए ही सही है क्योंकि ज़्यादा ये स्पेस ऑफर नहीं करती है आपको। बाकी इसको और फीचर्स की बात करते हैं तो यहाँ से आप खोलेंगे इसका फ्यूल लिड या फिर अपना बोनेट भी आप यहीं से खोल सकते हैं। अगर हम इसके इंजन की बात करते हैं तो इंजन में कोई बदलाव नहीं किया गया है, जैसे इंजन आपको पहले मिला करते थे सेम इंजन सेम स्पेक्स के साथ आपको मिलेंगे। पहले इसमें 1.5 लीटर का जो 4 सिलेंडर BS6 टर्बो पेट्रोल इंजन आया करता था, माइल्ड हाइब्रिड सेटअप के साथ वही इसमें आएगा, वो 141 BHP की आपको पावर देता है 250 Nm टॉर्क के साथ, उसमें आपको 6-speed ट्रांसमिशन मिल जाता है स्टैंडर्ड, और एक 6-speed डुअल क्लच ट्रांसमिशन DCT भी मिल जाता है हाइब्रिड वेरिएंट्स में। यहाँ पे आपको एक फैट सोर्स 2.0 4 सिलेंडर BS6 डीजल इंजन भी दिया जाता है जिसकी पावर 168 BHP है, 350 Nm का उसमें टॉर्क मिलता है, ये 6-speed मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ अवेलेबल है। अब सेफ्टी फीचर्स के बारे में बात कर ली जाए MG Hector Plus की, तो इसमें आपको 3-point सीट बेल्ट्स मिल जाते हैं, 360 कैमरा व्यू आ जाता है, ABS-CVT और ब्रेक असिस्ट, कॉर्निंग फ्रंट फॉग लैंप्स आ जाते हैं, इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक आपको मिलेगी, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, फ्रंट पार्किंग सेंसर, फ्रंट सीट बेल्ट प्रीटेंशनर, हीटेड ORVMs, हिल होल्ड कंट्रोल, आइसोफिक्स चाइल्ड सीट एंकर्स, रियर डिस्क ब्रेक, रियर डिफोगर, रिवर्स पार्किंग कैमरा, फ्रंट ड्राइवर एंड को ड्राइवर सीट बेल्ट रिमाइंडर, स्पीड सेंसिंग ऑटो डोर लॉक, स्पीड वार्निंग अलर्ट और ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम जैसे काफी सारे फीचर सेफ्टी के लिहाज से भी आपको MG Hector में दिए जाते हैं। और 6 एयरबैग को हम नहीं भूल सकते, वो भी आपको इस कार में मिल जाएंगे। बाकी जो आपको थर्ड रो मिलती है उसमें भी AC वेंट्स मिल जाती हैं सेपरेट फैन स्पीड कंट्रोल के साथ। तो ये थी MG Hector Plus, बाकी जब भी इसका प्राइस सामने आता है 13 जुलाई को तो आपको अपडेट कर दिया जाएगा। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद, पसंद है तो इसको लाइक कर सकते हैं, थैंक यू सो मच।